हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिल्पा भाटिया। तो आज हम बात करने वाले हैं UCW के एकेडमिक राइटिंग स्टाइल के बारे में। तो ये वीडियो जो है रिक्वेस्ट पर बनाया गया है, जैसे आप सब ने रिक्वेस्ट किया था कि आपको APA के बारे में जानना है। तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मैं इसमें आपको प्रॉपर APA स्टाइल समझाने वाली हूँ कि उसका इंडेक्स साइटेशन कैसे करते हैं, वो रेफरेंसेस में कैसे यूज करते हैं, उसका फॉर्मेटिंग स्टाइल क्या होता है, आपको एक एक चीज के बारे में पता रहेगा। एंड इन फैक्ट आपको ये भी मैं बताऊंगी कि ये कितना इम्पोर्टेंट है एंड दिस इज समथिंग विच द यूनिवर्सिटी डेफिनेटली एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इन योर असाइनमेंट्स। APA की तो APA इज एन अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द सेवरल स्टाइल्स फॉर एकेडमिक राइटिंग। जैसे हमारा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो गया, स्टैनफोर्ड हो गया, तो ऐसे जो भी यूनिवर्सिटीज हैं वो एक अलग एकेडमिक राइटिंग स्टाइल फॉलो करते हैं। तो सिमिलरली UCW जो है वो APA फॉर्मेट यूज करते हैं। तो APA फॉर्मेट जो आप जो भी असाइनमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि UCW किस पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो वो आपके असाइनमेंट्स पे फोकस करते हैं ताकि आप रिसर्चेस करो और आपको जो है मतलब लर्निंग्स मिले, आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग हो। तो जो असाइनमेंट है वो APA फॉर्मेट में होना चाहिए। तो इस APA में क्या है, APA इज नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि डरने वाली बात है। इसका एक अलग फॉर्मेटिंग स्टाइल होता है। अब हम अगर कोई भी असाइनमेंट लिख रहे हैं, कुछ भी थीसिस लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम वर्ड डॉक्यूमेंट पे लिख रहे हैं, करेक्ट? तो उसी में ही बस आप नॉर्मल लिखो, बस एंड में आप इस पूरे फॉर्मेट, पूरे जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको APA फॉर्मेट में कर दो। तो मैं आपको वो भी सब सिखा दूंगी अभी कि APA फॉर्मेट कैसे करते हैं। उसके अलावा जो APA के साथ साथ इम्पॉर्टेंट रहता है वो है प्लैजरिज्म। तो मैं अभी आपको ये भी समझाती हूँ कि प्लैजरिज्म क्या होता है। चलो पहले हम समझते हैं कि APA फॉर्मेट को हम कैसे कैसे यूज करते हैं, APA फॉर्मेट में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है। तो मैं आपको APA के बारे में समझाती हूँ। तो मैंने ये दो पैराग्राफ अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट करे हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो है ये APA है, जो ये वाला पैराग्राफ है ये APA फॉर्मेट में पूरा, और ये नॉर्मल है। अब मैंने इसको APA में मैं करके दिखाऊंगी जिससे आपको समझ आए कि APA में हम कैसे करते हैं। तो हम इसको पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सबसे पहली चीज फॉर्मेटिंग स्टाइल समझा रही हूँ, उसको ध्यान से देखिए। हम यहां से जाएंगे टाइम्स न्यू रोमन पे सेलेक्ट करेंगे एंड पूरा डेटा या तो 11 पे होना चाहिए फॉन्ट साइज या 12 पे होना चाहिए, ना उससे कम होना चाहिए ना ज्यादा। और आपका जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है उसका सबका ही यही फॉन्ट साइज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ये करेंगे कि हाँ अभी मैं हेडिंग है, सपोज करो ये वाली जो लाइन है ये हमारी हेडिंग है, बैक कंपेयरिंग दी अबव एनालिसिस, तो आप बोलो इसको मैं 14 कर देता हूँ बाकी को मैं 12 कर दूंगा। जिससे तो आपको एक ही फॉन्ट साइज में रखना है पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा डॉक्यूमेंट। अब सेकेंड चीज क्या होती है, सेकेंड चीज होती है ये, तो हमने इसका साइज कर दिया, ये डबल स्पेसिंग वाली चीज होती है। अब जैसे ये डबल स्पेसिंग कैसे करते हैं, यहां जाते हैं, यहाँ ऑलरेडी लाइन स्पेसिंग में डबल है, सपोज करो यहाँ पे सिंगल होती तो ये ऐसे दिखता आपको डॉक्यूमेंट, और जब हम लिखते हैं तो ऐसे ही दिखता है। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, उनको लगता है डबल स्पेसिंग का मतलब है जैसे मैंने आपका दो बार एंटर, बट ऐसे नहीं होता। डबल स्पेसिंग का मतलब एंटर नहीं होता, डबल स्पेसिंग का मतलब होता है पूरे डेटा को सेलेक्ट करोगे तो जो वर्ड है, लाइन्स है, मतलब पूरा डेटा आपका यहां से हम लाइन स्पेसिंग में डबल कर देंगे, दिस इज कॉल्ड डबल स्पेसिंग। तो आप इस तरह से करोगे, ठीक है, ये बहुत इजी हो गया आपके लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हर न्यू पैराग्राफ, जो भी पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है उससे उसके बाद उस पैराग्राफ से पहले पहली लाइन पे आप टैब दबा दोगे। इस टैब को दबाने से क्या हुआ कि पहले स्पेस आ गया, करेक्ट? तो इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा। अभी जैसे ये वाला न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, इसी का ही पार्ट है ये, बट ये न्यू पैराग्राफ है तो मैंने इसमें स्पेस दे दिया, डन। अब मैं आपको समझाती हूँ इसके हेडिंग्स कैसे सेट करते हैं हम। जैसे अभी ये देखो ये स्पेस दिख रहा है क्योंकि हमने पूरा डॉक्यूमेंट उस डबल स्पेस में कर रखा है। ये फर्स्ट हेडिंग है, फॉर एग्जांपल कंपैरेटिव एनालिसिस फर्स्ट हेडिंग है, तो इसको हम जो है यहाँ पे सेंट्रलाइज कर देंगे। सबसे पहले मेन चीज सेंट्रलाइज हो जाएगी एंड हम इसको बोल्ड कर देंगे। हमने इसको बोल्ड कर दिया,
अब ये हमारी, अभी तो ये अगर हमारी ये मेन हेडिंग ना होती, मेन हेडिंग फॉर एग्जांपल ये हमारी मेन हेडिंग नहीं है, मैं इसको हटाती हूँ, मैं एक चीज और दिखाती हूँ। मेन हेडिंग है हमारी एनालिसिस फॉर एग्जांपल, तो जो एनालिसिस हमारी हेडिंग है उसको हम बोल्ड में रखेंगे और उसको हम सेंट्रलाइज करेंगे। डन, ये हो गई हमारी पहली मेन हेडिंग। उसके बाद की हमारी हेडिंग है कंपैरेटिव एनालिसिस, इसको भी हम बोल्ड में रखेंगे और लेफ्ट साइड में अलाइन करके रखेंगे, ये सेंटर अलाइन नहीं होगी। उसके बाद कंपैरेटिव एनालिसिस के अंदर ही हम एक और, मतलब सब हेडिंग लिख रहे हैं विच इज फुल टाइम एनालिसिस फॉर एग्जांपल, तो जब हम फुल टाइम एनालिसिस लिख रहे हैं वो हमारा बोल्ड रहेगा, करेक्ट, अगेन लेफ्ट अलाइनमेंट रहेगा, बट ये इटैलिक में होगा। इटैलिक में इसलिए होगा क्योंकि ये इसकी सब हेडिंग है। फॉर एग्जाम्पल ये हेडिंग होती ही ना कोई, तो ये बस ये कंपैरेटिव एनालिसिस हो गया। और कंपैरेटिव एनालिसिस के बाद हमारी सेकेंड हेडिंग होती विच इज फुल टाइम एनालिसिस, फॉर एग्जाम्पल फुल टाइम एनालिसिस, करेक्ट। तो ये यहां से आ रहा है बट ये यहां से नहीं आएगा, इसको हम बैक करेंगे, यहां से स्टार्ट होगा। तो इसको हम मैं आपको समझाती हूँ कि रेफरेंसेस कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको ये सब समझा दिया, अब सबसे पहली बात तो ये मैंने रेफरेंस सिर्फ आपको गाइड करने के लिए डाला, अदरवाइज रेफरेंस जो हमेशा नेक्स्ट पेज से स्टार्ट होगा। तो हम पेज ब्रेक करेंगे, इंसर्ट पेज ब्रेक, ओके, देन रेफरेंसेस हेडिंग डालेंगे हम यहाँ पे रेफरेंसेस, करेक्ट, और हम इसको सेलेक्ट करेंगे, हम इसको बोल्ड में करेंगे और इसको सेंट्रलाइज कर देंगे, ठीक है, सेंटर अलाइन कर देंगे। अब ये हो गया, अब रेफरेंसेस सेलेक्ट करेंगे हम, रेफरेंस सेलेक्ट किया, अब इसको भी जैसे मैंने बोला पूरा डॉक्यूमेंट सेम रहना चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन में करेंगे, 12 में करेंगे क्योंकि ऊपर वाला कंटेंट भी हमारा 12 का था। यहां से हम डबल स्पेसिंग करेंगे, लाइन स्पेसिंग, बट अब क्योंकि ये रेफरेंसेस है तो इसमें हम दोबारा से यहां जाएंगे और जो ये इंडेंटेशन है यहाँ पे हम स्पेशल में हैंगिंग में करेंगे। इस चीज का ध्यान रखो, रेफरेंसेस हम हमेशा हैंगिंग में करते हैं। अभी देखो पहला कैसे लग रहा था और अभी कैसे लग रहा है, तो ये डिफरेंस आ जाते हैं एपीएफ फॉर्मेटिंग के बाद। अब एक और चीज रहती है एपीएफ फॉर्मेटिंग में कि पेज नंबर जरूर होने चाहिए, पेज नंबर 1, दिस इज 2। तो हम इंसर्ट में जाएंगे, पेज नंबर डालेंगे, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टॉप ऑफ द पेज, मतलब मैं ऐसे ही करती हूँ, पेज नंबर 3। तो जितने पेज वो अपने आप हो जाते हैं, आप डबल क्लिक कर देना शीट में कहीं पे भी, वो अपने आप आगे 1-2, अगर और पेजेस होते तो वो 3-4 सारे आ जाता जितने भी पेजेस रहते। अब मैंने यहाँ पे एक और रेफरेंस डाला आप लोगों को ये बताने के लिए कि रेफरेंसेस का हम कैसे रेफरेंस पुट करते हैं। तो रेफरेंसेस जो है हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे मेरा नाम शिल्पा है, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम श्वेता है, करेक्ट, तो दोनों ही SS से आ गए, करेक्ट। अब इसमें अल्फाबेटिकल आप कैसे चूज करोगे, तो रेफरेंसेस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब होता है लास्ट जो नेम होता है उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मेरा नाम शिल्पा भाटिया है बट उसका नाम श्वेता अरोड़ा है, तो A पहले आता है और B बाद में आता है, तो इसलिए उसका रेफरेंस हम पहले लिखेंगे और मेरे नाम का रेफरेंस बाद में लिखेंगे। अब जैसे ये जो है फलगम, तो ये F है और ये H है, तो F पहले आता है और H बाद में आता है, तो ये रेफरेंस जो है ये ऊपर जाएगा, करेक्ट, और वो नीचे आएगा ऐसे। और ये जो मैंने अभी ये एक तरीके से एक स्पेस आ रही है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये स्पेस नहीं आनी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देते हैं एपीए फॉर्मेट पे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में जाते हैं, हेडिंग के बाद हो, क्वेश्चन के बाद हो, कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी, नो एक्स्ट्रा स्पेसेस, नॉट एट ऑल। वो जब आप डबल स्पेसिंग करोगे वो स्पेसेस जो है वो अपने आप अलाइन हो जाती हैं, आपको कुछ नहीं करना। तो चलो वापस से रेफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो ये अभी F से है तो मैंने ये यहाँ पे ऊपर लगा दिया, H से है तो नीचे लगा दिया। अब रेफरेंस जब हम लिखते हैं तो लास्ट नेम लिखते हैं, आपको कॉमा डालते हैं, उसके बाद फर्स्ट नेम का सिर्फ पहला इनिशियल लिखते हैं और फुल स्टॉप डालते हैं, पूरा फर्स्ट नेम नहीं लिखते हैं, और ब्रैकेट में हम ईयर लिखते हैं। अब आपको रेफरेंसेस समझ आ गए, तो जो जैसे ये वाला मैं समझाती हूँ आपको, हाउ टू डिटरमाइन प्रॉफिटेबिलिटी वाला,
इसमें जैसे किसी ऑथर का नाम नहीं था तो मैंने सिर्फ टॉपिक का नाम लिखा। अच्छा, आपको टॉपिक तो समझ आ गया ना। टॉपिक मीन्स कि आपने जो कंटेंट जहां से उठाया है उसकी जो हेडिंग है, दैट इज कॉल्ड टॉपिक। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखे हैं, तो इसका जो हेडिंग था वो ये था, हाउ टू डिटरमाइन प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। तो मैंने सिर्फ वो लिखा क्योंकि किसी ऑथर का नाम नहीं लिखा था, तो मैंने वो मिस आउट कर दिया। दैट्स ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, अब मैं आपको टेबल के बारे में बताती हूँ। जैसे कोई भी ग्राफ या कोई भी टेबल आप इंसर्ट कर रहे हो तो उसको हम नेमिंग कैसे करते हैं वो बहुत जरूरी होती है। बहुत बच्चे नहीं करते और इसी चीज का मार्क्स जाते हैं उनके। तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ हम लिखेंगे टेबल वन। ठीक है, तो ये जो टेबल वन लिखा हमने, एक मिनट, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए फालतू का। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम बोल्ड में कर देंगे। और फिर टेबल वन के बाद हम इसकी नेक्स्ट लाइन में इसकी हेडिंग लिखेंगे। जैसे डिफरेंस बिटवीन वाइट बटर एंड चीज लिख दो फॉर एग्जाम्पल, या कंपैरेटिव स्टडी लिख दो, कंपैरेटिव स्टडी, करेक्ट। तो ये ओके, तो ये जैसे सॉरी ये कॉपरेटिव हो गया, तो इसको मैं कंपैरेटिव कर रही हूँ, ये बोल्ड में आ रही है, तो ये हम बोल्ड में नहीं लिखते हैं। जो हम टेबल की या फिगर की हेडिंग लिखते हैं वो बोल्ड में नहीं होती है, वो इटैलिक में रहेगी बस। परफेक्ट। उसके बाद अब ये मैंने ये इन्फॉर्मेशन, अब ये तो चलो अकाउंट्स का है तो मैंने खुद बनाया था ये टेबल, बट अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन कहीं से ली है तो आपने ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली है? जैसे कोई आपने इमेज किसी कंटेंट से उठा के लगाई है, अब आपने उसका रेफरेंस तो लिखा है, बट ये जो होता है यहाँ आपने वहां से पिक्चर लिया, तो इसको बोलते हैं इंटेक्स साइटेशन। सिर्फ फिगर्स का बता रही हूँ अभी मैं, टेक्स्ट का नहीं बता रही हूँ। तो आपको लिखना होता है सोर्स, बाय चांस सोर्स आप ये लिख सकते हो, बाय ऑथर बस, और नहीं तो जो उसके नीचे नोट में भी डाल के आप लिख सकते हो कि आपने कहाँ से लिया है ये। नेक्स्ट लाइन में जाता है नोट, और नोट में आप डाल के लिख सकते हो। अब मैं आपको लास्ट स्टेप इंटेक्स साइटेशन समझा देती हूँ। अब जैसे आपने ये डेटा जो है वो कहीं से लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे यही इसी सैंपल से लिया जो मैं आपको सैंपल दिखा रही हूँ, आपने इसको पैराफ्रेज करा। ठीक है, अभी मैं आपको वो भी समझा दूंगी कि पैराफ्रेजिंग क्या है और कैसे किया जाएगा। तो आपने इसको पैराफ्रेज किया और तो आपने इसको लिख लिया, बट आपने आइडिया तो मेरा लिया ना, मेरे असाइनमेंट से लिया जो मेरा सैंपल रिपोर्ट था। तो इसी वजह से आपको यहाँ पे लिखना रहेगा, ये फुल स्टॉप हटेगा, आप लिखोगे ब्रैकेट ओपन, सॉरी ब्रैकेट से पहले स्पेस, ब्रैकेट ओपन शिल्पा कॉमा, आपने कौन सी ईयर में लिया, स्पेस 2023, ब्रैकेट क्लोज एंड देन फुल स्टॉप। ये हो गया इंटेक्स साइटेशन। या तो आप ये कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका क्या रहता है, जैसे बाय कंपेयरिंग की जगह हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू शिल्पा। ठीक है, इसमें फुल नेम लिखने की जरूरत नहीं, या तो फर्स्ट नेम लिख दो या भाटिया लिख दो, लाइक अकॉर्डिंग टू भाटिया या फिर अकॉर्डिंग टू शिल्पा, करेक्ट। स्पेस देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट 2023, नो कॉमा नथिंग, फिर यहाँ पे कॉमा आ जाएगा और जो बी है वो हम छोटा कर देंगे। अकॉर्डिंग टू शिल्पा 2023 बाय कंपेयरिंग द अबव एनालिसिस, सो इसको हम बोलते हैं नरेटिव इंटेक्स साइटेशन। जो मैंने यहाँ पे जब लिखा था उसको बोलते हैं पेरेंटल इंटेक्स साइटेशन। तो ये दो तरीके से होता है, बाकी आप रेफरेंस में पूरा लिखो। ओके, तो मैंने अभी आपको प्रॉपरली एपीए के बारे में सारा कुछ समझा दिया है, तो मेरी तरफ से मैंने सारे टॉपिक्स कवर करे हैं, बट इन केस स्टिल आपको कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी समझ नहीं आता है, तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैं अभी भी कोशिश कर रही हूँ, जो भी कमेंट्स कर रहे हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस कर रहे हैं मैं उनको रिप्लाई कर रही हूँ, उनको जितनी हेल्प कर सको उतनी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। बट अब एपीए के अलावा मैं आपसे बात करना चाहती हूँ प्लैजरिज्म के बारे में। तो प्लैजरिज्म क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको एपीए साइटेशन का समझाया, इंटेक्स साइटेशन का, तो फॉर एग्जाम्पल आप कहीं से कंटेंट उठा रहे हो, करेक्ट, और वो कंटेंट उठाने के बाद जो है आप उसमें सपोज करो आप पैराफ्रेज नहीं कर रहे हो, अब आपने आइल्स दिया होगा, या अगर आप आइल्स देने वाले हो तो आपको पैराफ्रेजिंग तो समझ आ गया होगा। नहीं तो मैं फिर भी एक बार समझा देती हूँ, जिन बच्चों को बाय चांस नहीं पता हो, बट उनके लिए
तो जैसे कि आपने जो कंटेंट है वो आपने कहीं से उठाया, जैसे मैंने अभी रिपोर्ट में बताया था आपने मेरा जो सैंपल रिपोर्ट है उधर से कंटेंट उठाया, तो आपने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया, तो वहां आप एरर हो सकता है, वो चीज प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, क्योंकि ये प्लैजरिज्म का पार्ट हो सकता है, सिमिलैरिटी आपकी आ सकती है, तो इसका ध्यान रखना है। आप मेरा वर्क उठा सकते हो, इट्स ओके, बट आपको खुद के वर्ड्स में लिखना है। तो आप अगर एज इट इज कॉपी पेस्ट करोगे प्लैजरिज्म, मतलब वो प्लैजरिज्म का पार्ट रह जाएगा, ठीक है, तो हम उसको पैराफ्रेज करते हैं, अपने खुद की लैंग्वेज में लिखेंगे और उसके बाद उसका इंटेक्स साइटेशन कर दो, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, जो UCW का पोर्टल है, जब आप असाइनमेंट्स कंप्लीट करते हो तो एक टर्निटिन करके जो है उस पर आप रिपोर्ट्स अपनी सबमिट करते हो, तो वो आपको उसी वक्त आपकी सिमिलैरिटी काउंट बता देती है। तो UCW इस चीज को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर आपका 20% से ज्यादा सिमिलैरिटी काउंट आया तो आप रेड फ्लैग में जा सकते हो, एंड इनफैक्ट 10% के बाद भी आ सकते हो। 20% के बाद तो आपको उस असाइनमेंट में फेल कर दिया जाता है, आपको मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, बट 10% और 20% के बीच में आता है तो आप पे रेड फ्लैग लग जाता है, तो आपको मतलब ऐसे फेल नहीं किया जाता उस पर्टिकुलर असाइनमेंट में। तो आप प्लीज इन चीजों का ध्यान रखना, बहुत आसान होता है, आपको जहां से जैसी हेल्प लेनी है आप लो, बट खुद के वर्ड्स में उनको लिखना, खुद के वर्ड्स में बोलना स्टार्ट करो। अब जैसे मैं जितनी भी एपीए के बारे में बात कर रही हूँ, थैंक्स टू UCW मुझे उनसे ही सीखने को मिला, करेक्ट, बट अब ऐसा नहीं है ना कि मैं उन्होंने ही जो सैंपल रिपोर्ट्स दिया था या उन्होंने जो कंटेंट दिया मैं एग्जैक्टली वो आपको दिखा रही हूँ, नहीं, मैं खुद का अपने सैंपल रिपोर्ट बनाई आप लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो ये तरीका होता है कोई भी चीज को रखने का, करेक्ट। तो दिस इज ऑल यू हैव टू फॉलो, क्योंकि मुझे बहुत बच्चों ने मैसेज किया था कि आप बहुत डिफिकल्ट रहते हैं असाइनमेंट्स, क्या असाइनमेंट्स करना मुश्किल होता है, नहीं होता मुश्किल, बिलीव मी। और मैं एक चीज और रिकमेंड करना चाहती हूँ जो मैंने बहुत बच्चों को बोली, आप चाहे जितने भी बिजी हो, आई अंडरस्टैंड आपका काम स्टार्ट होगा, आपका स्केड्यूल बहुत हेक्टिक हो जाएगा, होम सिकनेस होती है, आप न्यू कंट्री में आ रहे हो, सब मैं सब कुछ अच्छे से समझती हूँ, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दिस थिंग, स्टिल आई एम एक्चुअली मैनेजिंग टू डू माई थिंग्स टूगेदर, बट दिस इज जस्ट माई सजेशन एंड अ रिकमेंडेशन टू यू कि आप एक घंटा पूरे दिन में कभी भी, अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट, आफ्टरनून, इवनिंग, जब भी टाइम मिले, आपके जो भी असाइनमेंट्स दिए होंगे या जो भी आपके वीकली क्विज होंगे उसको आप दीजिएगा। हर असाइनमेंट के लिए मिनिमम 2 हफ्ते का टाइम दिया जाता है, और बच्चे एंड टाइम तक छोड़ देते हैं और एंड के 1-2 दिन बैठ जाएंगे और फिर बोलेंगे हमारा असाइनमेंट नहीं हो रहा या ये बहुत हेक्टिक है और हमसे हमारा काम नहीं संभल रहा। बट अगर आप डेली के डेली 1-1 घंटा दोगे और जब असाइनमेंट सबमिट होना उसे एक दिन पहले तसल्ली से पूरा दिन ऑफ लेके, आपको पहले ही पता होगा ये डेडलाइन है, ऑफ लेके आप तसल्ली से बैठोगे तो आप उसको प्रॉपरली कंपाइल कर पाओगे, फॉर्मेटिंग कर पाओगे, आप अपने एरर्स देख पाओगे, आप रीड कर पाओगे कि आपने डेली जो 1-1 घंटा करा है वो आप सही जा रहे हो, सही डायरेक्शन में है या नहीं है। तो आप आसानी से अपना असाइनमेंट टाइमली सबमिट करोगे, आप टाइमली सबमिट करोगे, प्रोफेसर आपको बता रहे हैं आपको कैसे कैसे क्या क्या कवर करना है, आप वो सारे पॉइंटर्स कवर करने वाले हो, तो आपको क्यों खराब मार्क्स मिलेंगे। आप प्रॉपर एपीए फॉर्मेट यूज कर रहे हो, आप प्लैजरिज्म का पार्ट नहीं हो रहे हो, आपने जो भी कंटेंट कहीं से उठाया आप उसका साइटेशन कर रहे हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आप 72% नहीं ला पाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो मार्क्स रहते हैं वो डिवाइडेड रहते हैं। आपका जो डिवीजन रहता है वो आपका जैसे एपीए पे रहता है, आपने सारा कंटेंट अपना जो है, मतलब आपके जो टॉपिक्स है वो आपने कवर करे या नहीं करे, आपने कितना ज्यादा उसको अच्छे से एनालाइज करे, रिसर्च किया और कितने अच्छे से लिखा है, करेक्ट। और अगर मैं ओवरऑल आपके किसी सब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो ऐसे होता है 20% आपको इंडिविजुअल असाइनमेंट होते हैं, 20% आपके ग्रुप असाइनमेंट होते हैं, 10% आपके इन क्लास पार्टिसिपेशन होते हैं, 10% आपका जो रहता है वो वीकली क्विजेज होते हैं, जो कि जो टॉपिक पढ़ाया होता है उससे रिलेटेड क्विजेज होते हैं, तो आप वो आंसर्स देते हो, तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। बाकी इसके अलावा, मतलब आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कवर एवरीथिंग, मैंने ये चीज स्पेशली इस वीडियो में इंक्लूड करी क्योंकि ये बहुत बच्चों को डाउट है और मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, सिर्फ एक ये क्वेश्चन जरूर आ रहा है अबाउट 72% वाला कि कर पाएंगे या नहीं कर पाओगे। तो डेफिनेटली कर पाओगे, अगेन आई विल रिपीट, इफ यू आर ऑनेस्ट, इफ यू आर सिंसियर विद योर वर्क, इफ यू रियली वॉन्ट टू स्टडी, देन इट वॉन्ट बी डिफिकल्ट फॉर यू, डेफिनेटली। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर
being with me till end and hope you liked my video. Do like, share and subscribe my channel and do let me know in comments in case you liked and you liked my video or in case you want to give any feedback or you want me to cover up anything else which I missed maybe or aap chahte hain ki main uske bare mein bhi baat karu taki zyada se zyada bacche dekh sake. Thank you.